स्वागत है जी आपका स्पोर्ट्स आर पर बात करेंगे श्रीलंका के वर्ल्ड कप स्क्वाड के बारे में स्क्वाड एनालिसिस करेंगे इन डेप्थ बात करेंगे कि भाई पाक, क्या श्रीलंका की इस टीम में वो दमखम है कि वो टॉप चार की दावेदारी वहां पर पेश कर दे देखिए अगर आप लेगेसी देखेंगे श्रीलंका की टीम की नाइन्टीज और टू में श्रीलंका की टीम ने भाई बहुत ही ज्यादा डोमिनेट करें वर्ल्ड इवेंट्स चाहे आप बात कर लीजिए नाइनटीन वर्ल्ड कप चैंपियंस अर्जुना राणा तुंगा की कप्तानी में वहां पर टाइटल जीती थी श्रीलंका और उसके बाद आप कह सकते हैं लेगेसी बना दी फिर आपने देखा 2003 वर्ल्ड कप सेमीज में वहां पर ऑस्ट्रेलिया से आती है 2007 वर्ल्ड कप फाइनल 2011 वर्ल्ड कप फाइनल इंडिया जब जीती थी एमएस धोनी ने वो फेमस छक्का मारा था लेकिन फिर उसके बाद हमने देखा कि श्रीलंका की टीम ट्रांजिशन फेज में जूझती हुई नजर आई जब उनके स्टार प्लेयर्स बाहर हो गए तब उनके लिए बहुत मुश्किल हुआ कि ओडीआई फॉर्मेट में वो रीग्रुप करने में थोड़ा सा समय लग गया लेकिन अब आप कह सकते हैं कि श्रीलंका कहीं ना कहीं एक स्ट्रॉन्ग आउटफिट आपको लगता है चाहे आप बात कर लीजिए बैक टू बैक एशिया कप के फाइनल्स करना टी तो वो जीते थे अब फॉर्मेट में इंडिया से इस बार एक तरफा जरूर हारे मतलब तो अपने काफी निराश जरूर रहे होंगे लेकिन जरूर इस टीम ने पाकिस्तान को हराकर एक स्टेटमेंट जरूर दी कि भाई आप हमें हल्के में बिल्कुल नहीं ले सकते अब बड़ा कंसर्न यही आया है कि उनके जो आप कह सकते हैं कि स्टार बोलर हसरंगा स्टार लेग स्पिनर आप कह सकते हैं इंडियन कंडीशन में एक बहुत ही बड़े एसेट हो सकते थे श्रीलंका के लिए लेकिन वो वहां पर उनकी सर्विसेज मिस करेंगे वहां वहां पर पर नहीं नहीं होंगे होंगे हसरंगा और उनके अलावा चमीरा भी वहाँ पर नहीं होंगे, चमीरा भी एक क्वालिटी फास्ट तो ये दो बड़े खिलाड़ियों की सर्विसेज मिस करेगी श्रीलंका जिसकी वजह से वो सारे कॉम्बिनेशन अपने फाइंड करने की कोशिश कर रहे थे कि उनकी जगह उनके रिप्लेसमेंट हम इनको अनाउंस करें तभी उनको इतना समय लग गया आपका वर्ल्ड कप स्क्वाड अनाउंस करने में लेकिन जैसा आपने एशिया कप में देखा यू कांट राइट ऑफ श्रीलंकन टीम ओडीआईज़ में भी आपने देखा कि भाई बड़ी ही एक स्ट्रांग आउटफिट आपको नजर आ सकती है अगर ये एक आइडियल कॉम्बिनेशन ढूंढ ले क्योंकि जो कॉम्बिनेशन आपके लिए श्रीलंका में वर्क करेगा वो आपको इंडिया में करता हुआ नजर नहीं आएगा आपको एक फ्रेश एग्जांपल देता हूं देखो आपको कोलंबो में और कैंडी में तो इनके स्पिनर्स वहां पर हावी होते हुए नजर आए लेकिन जब आपने देखा कि जब ये पाकिस्तान गए तो अफगानिस्तान की टीम ने भाई इनके पसीने छोड़वा दिए वहां पर आप कह सकते हैं कि सैंतीस ओवरों में जब उनको टू नाइनटी पर बनाने थे श्रीलंका को नॉकआउट करने के लिए तो वहां ऑलमोस्ट उन्होंने श्रीलंका को बाहर कर दिया था और वो गेम था पाकिस्तान तो कहीं ना कहीं फेवरेबल बैटिंग कंडीशन में जहां पर स्पिनर्स को ज्यादा असिस्टेंस नहीं होगी वहां पर ये श्रीलंकन टीम थोड़ी एक्सपोज हो सकती है या फिर वो अपना एक आइडियल कॉम्बिनेशन ढूंढ ले कि तीन सीमर प्लस दो स्पिनर वाला कॉम्बिनेशन बना पाए जिससे कि आपको एक बैटर वहां पर कम करना पड़ेगा एक यही मसला है श्रीलंकन टीम के साथ जो उनके लिए एक एक बहुत बड़े आप कह सकते हैं कि एक प्रॉब्लम बन सकता है कंसर्न बन सकता है कि हमारे लिए आइडियल कॉम्बिनेशन क्या है अगर हम बैटिंग डेप्थ बढ़ाते हैं वहां पर और बॉलिंग थोड़ी सी कॉम्प्रोमाइज करते हैं तो क्या हमारे लिए वो आइडियल कॉम्बिनेशन होगा या फिर वो चाह रहे हैं कि भाई अगर आप फुल ऑन आप एक फुल थ्रॉटल या फिर आप कह सकते हैं कि फुल फ्लैश बोलिंग अटैक खिलाते हैं तो आपको एक क्वालिटी बैटर वहां पर मिस आउट करना पड़ेगा श्रीलंका की यही दिक्कतें हैं अब बात कर लेते हैं जी इलेवन इन की कैसे किस तरीके की कि वहां पर नजर आ रही है क्योंकि अगर आप देखते हैं, देखिए क्वालिटी आपके पास है अगर आप बात करें देखिए कुशल मैंडिस बहुत ही जबरदस्त क्वालिटी का ये प्लेयर है एशिया कप में भी उसने दिखा दिया सबकी नजरें सबके टॉप तीन पर रहती हैं या तीसरे नंबर के खिलाड़ी पर रहती है दुनिया भाई जहां पर विराट कोहली बाबर आजम स्टीव स्मिथ केन विलियमसन के बारे में बात कर रही होती है तो भाई कुशल मेंडिस का नाम वहां पर नहीं लिया जाता लेकिन यह भी एक बहुत स्पेशल टैलेंट है स्पिन को भी उतना ही इक्वली अच्छा खेलता जितना फास्ट को तो ये सल मैंडिस एक रह सकता है की प्लेयर इस वर्ल्ड कप में थ्रो आउट अगर वो कंसिस्टेंटली रंस कर रहा है तो श्रीलंकन टीम बहुत अच्छा फील करेगी वहां पर उसके अलावा कुशल परेरा के एक्सपीरियंस को बैक किया गया है भाई कप्तान रजून शना का यही होप करेंगे कि मैं एक आइडियल कॉम्बिनेशन अपनी टीम के लिए बना पाऊं क्योंकि वो आपके लिए डिसाइसिव हो सकता है अर्ली ऑन आपको बड़े मैचेस खेलने हैं कुछ साउथ अफ्रीका पाकिस्तान अगर श्रीलंका ने वहां पर क्वालिटी क्रिकेट खेल दी एक स्टेटमेंट दे दी तो कहीं ना कहीं टॉप चार के दरवाजे आपके लिए भी खुल सकते हैं लेकिन शुरुआती मुकाबले थोड़े से टफ हैं और वो ये कि अगर आपने ये मुकाबले निकाल दिए और पाकिस्तान अफ्रीका को वहां पर सरप्राइज कर दिया तो श्रीलंका पूरा पूरा फैंसी करेगी कि वो टॉप चार हमारे लिए ज्यादा दूर नहीं रहेगा बाकी आप देखते देखिए निशंका कुशल परेरा एक क्वालिटी ओपनिंग पेरा आपके लिए हो सकता है वहां पर दिमुत करोना रत्ने के भी एंट्री हुई है अब देखना ये इंटरेस्टिंग होगा कि क्या वो परेरा की फायर पावर के साथ जाते हैं या फिर करोना रत्ने जो कि आपको एक ठहराव देते हैं बैलेंस देते हैं और वही आपको लगता है उसके अलावा अगर आप बात करें कुशल मंडीज नंबर तीन समर विक्रमा एक क्वालिटी नंबर चार बैटर आपने जो वर्ल्ड कप से ही देखा है वर्ल्ड कप क्वालिफायर में जो आपने देखा था देखिए श्रीलंका की बैटिंग ने वहां पर भी कुछ एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी नहीं करके दिखाया इनके बोलर्स भी वहां पर भी इनको इवेंट जिता कर लाए वर्ल्ड कप क्वालिफायर की अगर आप बात करें कॉम्पिटिशन वहां पर भी जबरदस्त था नीदरलैंड वहां से थ्रू हो गई यही बहुत बड़ी बात थी जहां पर आप वेस्ट इंडीज जिंबाबे आयरलैंड जैसी टीम को पीछे छोड़ के आ रहे हो तो कंपटीशन वहां पे भी बड़ा जबरदस्त था लेकिन अगर आप बात करें नंबर पर विक्रमा फिर आपके असलंका धनंजय एंड देन आपके शनाका कप्तान आते हैं अब आपका मसला यही है कि अगर आप दो सीमर दो स्पिनर जा रहे हो तीसरे स्पिनर आपके वहां पर दिसिल्वा मतलब आपके धनंजय दिसिल्वा हो गए और आपके पास शनाका एक बोलिंग ऑप्शन क्या यह कॉम्बिनेशन आपके लिए वर्क कर पाएगा इंडिया में आई डाउट दिस मुझे ऐसा लगता है कि यह कॉम्बिनेशन आपके लिए इनफ नहीं रहेगा अफगानिस्तान वाला गेम जैसा मैंने बात भी करी अफगानिस्तान वाले गेम में आपकी फास्ट बॉलिंग वहां पर एक्सपोज हुई थी शनाका की बहुत पिटाई हुई थी अगर आप शनाका को थर्ड सीमर कंसिडर कर रहे हो कि वो अपने ओवर्स निकाल दें तो वो आपके लिए एक बहुत बड़ी दिक्कत हो सकती है चमिका करोना रत्न इनके लिए ट्रेवलिंग रिजर्व में है अगर वो वहां पर होता तो आपको बैटर बॉल से थोड़ा सा हैंडी रोल दे सकता था लेकिन वो ट्रेवलिंग रिजर्व में वहां पर है उसका फिटनेस कंसर्न है लेकिन उसके अलावा आप देख रहे हो कि भाई दुष्न हेमंता हेमंता को वहां पर एड किया गया है हसरंगा की जगह हसरंगा वाली क्वालिटी आपको नहीं मिल सकती बैटर बॉल से लेकिन हेमंता भी एक स्पिनर है लगी है तो क्या पता उनको भी वहां पर एंट्री मिलते हुए कभी आप देखो पहले इलेवन में वो नहीं बनते फिर आपके ठीक से ना वेलागे वेला, लागे। वेला लागे ने बहुत इंप्रेस करा है इंडिया के अगेंस्ट आपको जो फाइफर देखने को मिला उसने खिलाड़ी ने बता दिया कि भाई ये आपको फ्यूचर में और ज्यादा इंप्रेस करता हुआ नजर आएगा आपको वही झलकिया नजर आती हैं जो आपको जो आपके दिग्गज दिग्गज लेफ्ट आर्म ऑर्थोडॉक्स रहे हैं रंगना हैरत वही बिल्कुल आपको प्रॉपर ऐसा लगता है कि एक आप एक क्लोन उनके आ गए हैं बिल्कुल एज इट इज वैसा ही टॉस करते हैं बॉल और बहुत ही क्वालिटी है तो क्या वेला लागे वहां पर हसरंगा की जो कमी है उसको आप कह सकते हैं भरपाई कर पाएंगे ये भी बड़ा इंटरेस्टिंग होगा लेकिन क्या वो कॉम्बिनेशन में फिट इन कर पाएंगे ये भी बहुत ज्यादा इंटरेस्टिंग होगा देखना फिर आपके पास भाई थीक्सना आते हैं वन वन ऑफ ऑफ द द वेरी फाइनेस्ट अगर आप स्पिनर्स की बात कर रहे हो तो एक मिस्ट्री एलिमेंट कैरी करते हैं ऑन एनी गिवन सरफेस क्योंकि जो आपके मैचेस भी हैं इकाना आपने खेलना है दिल्ली आपने खेलना है इन सर्विसेज पे काफी हैंडी हो सकती है श्रीलंका के स्पिनर्स इनकी स्पिन बॉलिंग यूनिट तो कहीं कही ना कहीं श्रीलंका अगर यहां पर सरप्राइज कर दे टीम्स को तो आप देख रहे हो भाई क्या पता श्रीलंका का ही टॉप चार में वहां पर नाम ऊपर लेना पड़ रहा है और फिर आपके पास फास्ट बॉलिंग ग्रुप में आपने एडवाउंस कर लिए हैं

क्या कॉम्बिनेशन श्रीलंका वहां पर उतारता है और एज पर कंडीशन आप आप कह सकते हो कि चेंजेस ला सकते हो बदलाव ला सकते हो लेकिन आपको श्योर होना पड़ेगा कि यह कॉम्बिनेशन शना का ही आपको लग रहा है कि भाई उनके लिए बहुत ज्यादा सिरदर्दी होगी कि आपके लिए आइडियल कॉम्बिनेशन क्या है अगर आपने भाई वो मिस्ट्री सुलझा ली कि आपके लिए आइडियल बोलिंग कॉम्बिनेशन क्या होना चाहिए तो श्रीलंका भाई कोई भी इट्स नॉट अ गेमिंग श्रीलंका एक काफी हैंडी टीम है स्पेशली सबकॉन्टिनेंट में जो दो बड़े इवेंट हुए हैं आपके दो एशिया कप हुए हैं एक टी ट्वेंटी फॉर्मैट उन्होंने जीता है जहां पर पाकिस्तान और इंडिया जो फेवरेट्स थे उन्हें हराया था तब टाइटल जीता और अब 50 ओवर वाले एशिया कप में जरूर इंडिया ने एक तरफा फाइनल में जरूर आपको हरा दिया लेकिन पाकिस्तान को जो एक बड़ा दावेदार था उसको आपने एक कंफर्टेबल मतलब आप कह सकते हैं बहुत ही धमाकेदार तरीके से वहां पर हराया तो कहीं ना कहीं श्रीलंका डार्क हु नोस अगर उन्होंने स्टार्ट अच्छा कर दिया तो डेफिनेटली वो भी फैंसी करेंगे सब कॉन्टिनेंट कंडीशन को भरी भाती जानते हैं बस उनको में आपको रिफ्लेक्ट करना होगा तो ये श्रीलंका की टीम भी भाई बड़ी बड़ी टीमों पर हावी हो सकती है यही था स्क्वाड एनालिसिस आप भी बताइएगा आपको श्रीलंका की परफेक्ट क्या लगती है तीन स्टीमर या फिर आप चाहते हैं वो स्पिन हैवी जाए अपनी स्ट्रेंथ पे जाए और वर्ल्ड कप में कमाल दिखा कर आए फिलहाल इस वीडियो में इतने अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा फिलहाल मैं लेता हूं इजाजत जय हिंद जय भारत